जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में आप हर बार ही असफल हो रहे हैं? कितने ही प्रयास क्यों न कर लिए जाएं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है और आपको ऐसा लगता है हमारा तो भाग्य ही हमारा साथ नहीं देता। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तलाश में हैं। हमेशा से ही वह लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से अंतर की वजह से हमेशा असफल होते आए हैं। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, थोड़े से अंतर से ये लोग पीछे रह जाते हैं और उनके हिस्से में आने वाली नौकरी किसी और को मिल जाती है। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये खास उपाय हम आपकी कुंडली के मुताबिक कुछ इस प्रकार से बताएंगे, जिससे कि आपकी कुंडली के ग्रहों की सभी दशा कुछ इस प्रकार से बदलेगी जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने जितने भी अभी तक प्रयास किए हो, जितनी बार भी आपको असफलता मिली हो, तुरंत के तुरंत ही वह सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि इस आधुनिक युग में हर नवयुवक यह प्रयास करता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका पूरा भविष्य सिक्योर हो जाए। और दोस्तों, आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, ये मुझे आप लोगों को बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही है, निरंतर प्रयास भी आपको करना है, तो साथ ही साथ क्यों ना एक ऐसा अचूक उपाय भी कर लिया जाए जो आपकी कुंडली के ग्रहों की सभी दशा आपके अनुकूल बना दे। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं और ना ही वीडियो को स्किप करके देखें, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे या आधी वीडियो देखेंगे तो आपको उपाय नहीं समझ में आएंगे। यदि आप चाहें तो इन उपायों को किसी पेपर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस समय आप ये उपाय करने जाएं उस समय आपके मन में कोई दुविधा कोई संशय ना रहे। तो दोस्तों, अब हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह जो उपाय हम करने जा रहे हैं, इस उपाय को करते समय आपको अपनी पूरी श्रद्धा इस उपाय के प्रति रखनी होगी। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ही आपको यह उपाय करना होगा, क्योंकि ये बात तो सच है कि किसी भी शंका के साथ भक्ति नहीं की जाती। यदि आपको भगवान में पूर्ण विश्वास है तो आप उनसे कोई अपनी मनोकामना या कोई चीज मांगिए। यदि आपको थोड़ी सी भी शंका है तो आपकी वह इच्छा पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए, आपको इसका रिजल्ट 100% मिल जाएगा। अब आपको यह आसान सा उपाय बता दें, आप अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर देख लीजिए। जो भी मंदिर आपके घर के आसपास होगा, चाहे वह मंदिर शिव जी का हो, माता दुर्गा का हो, या कोई भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस मंदिर में पीपल का पेड़ जरूर होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए पीपल का पेड़ बहुत जरूरी है। वैसे तो अधिकतर मंदिरों में पीपल का पेड़ होता ही है, तो यह कोई मुश्किल नहीं है। आप आसानी से ऐसा मंदिर ढूंढ लेंगे जिसमें कि पीपल का पेड़ हो। तो आपको यह काम शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन सायकाल के समय, यानी कि जब सूर्यास्त होता है, तब आपको यह उपाय करना होगा। अब आपको यह उपाय करना कैसे होगा, आप मंदिर में चले जाएं। मंदिर में जाने से पहले आप किसी पात्र में तेल ले लें। आप चाहें तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं, चाहे तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। साथ में आप एक बाती जरूर ले लें और उसके साथ ही साथ आपको एक मौली भी लेनी है। मौली यानी कि रक्षा सूत्र, जो लाल रंग का धागा होता है उसे ही मौली कहा जाता है। अब आप मंदिर में चले जाएं। मंदिर में जाने के पश्चात पहले आप पूजा कर लें और पूजा करने के बाद आपको पहुंच जाना है वृक्ष के पास। जी हाँ दोस्तों, पीपल के वृक्ष के पास आप पहुंच जाएं। वहां जाने के बाद आपके पास जो मौली है, उस मौली को, उस लाल धागे को आपको पीपल के तने में बांध देना है। उस पीपल की आपको 3 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते करते ही आपको 3 बार उस मौली को पीपल में घुमाना है। और जिस समय आप परिक्रमा कर रहे होंगे, उस समय आप अपने इष्ट देव को अपने मन में धारण कर लें और मन ही मन में यह बात दोहराएं कि मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसी नौकरी के बारे में आपको यहां पर बताना है। और इस प्रकार से मन ही मन में दोहराते हुए 3 बार आपको यह दोहराना है और 3 परिक्रमा लेनी है।
और इस तरह से आप 3 बार इसको मन ही मन में दोहराते हुए 3 बार परिक्रमा कर लें। और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाइए। मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके मन में जो भी इस तरह की भावना आती है, वह भावना आपको प्रभु से बतानी है। उनसे बोलना है कि आप ही मेरा एकमात्र सहारा है, तो मुझे इस बार जरूर उबारे। आपको प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे इस बार जरूर उबारें। इस प्रकार से आपके मन में जो भी भावना, जो भी भाव आता है, आप वह कह दें। इस प्रकार से 3 परिक्रमा करते हुए आपको यह बात बोल देनी है, और उसके पश्चात आपने जो दीपक लिया है, उस दीपक से आप वहां पर ज्योत जला दें, और फिर उसको भी प्रणाम करते हुए आपको अपनी वह बात दोहरानी है। बस आपको इतना ही करना है, 3 बार ही आपको परिक्रमा करनी है, और आप खुद देखिएगा कि आपको कितना अच्छा परिणाम मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, तैयारी तो आपको पूरी करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है, आपको अपना 100% देना है। इस उपाय को करने से क्या होगा कि आपकी कुंडली की जो भी ग्रह दशा इधर उधर हो रही है, जो भी राहु काल चल रहा है, वह सब आपके अनुकूल होने लग जाएगा, और ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वह 100% आपके फेवर में होगा। इसलिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम राधे श्याम।